खामोश। हमारी बात सुनो, कौन खोल कर। हमने सुना है कि तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, बहुत शौक है ना दूसरे के मामलात में तुमको टांग अड़ाने का। हा? हा? अगर अब तुम दूसरों के मामलात में बोला तो जान से मार देंगे हम तुमको। कौन है तुम? छोड़ो मुझे, मैंने किसके बड्डे में टांग अड़ाया है और कैसे पता कि जुबान चलती है? हमारी बात सुनो, अगर ज्यादा टर्टर किए ना तो इस छुरी से तुम्हारा नरखरा काट देंगे। अभी तो सिर्फ नोक चुभो है, अगर तुम बाज नहीं आए ना तो गला काट कर फेंक देंगे तुमको इधर। ओ शाजिया, खुद को संभालो और मुझे इत्मीनान से बताओ कि कौन था वो। मैं देखती तो बताती ना, मैंने देखा ही नहीं, नकाब पोश था वो। कौन हो सकता है? वो कोई डाकू होंगे। अरे नहीं शन्नू, डाकू होता तो घर पे दाखिल होता, कुछ लेके जाता, लेकिन वो तो शाजिया को धमकियां देके चला गया। शाजिया की यहाँ किससे दुश्मनी हो सकती? मैंने कौनो कमबख्त मारा था, हमरे बाबू को डरा के चला गया। शाजिया, शाजिया देखो इधर, सुनो, जहन पे जोर डालो, जोर डालो। अच्छा, क्या तुम उसकी आवाज पहचान सकती हो? मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग मऊफ हो रहा है। हमरा बाबू डर गया है, कोनो परेशानी की बात नहीं है, जीसान सबे पूछ लेंगे ना, अभी खामोश हो जाओ। फूफो बिल्कुल ठीक कह रही है जीसान, ये बहुत परेशान है, अभी को आराम करने दीजिए। सन्नो ऐसा करो, अभी दूध गर्म करके ले आओ, अब बाबू को पिला देंगे ना, सो जाएगी, फिर सुबह पूछेंगे कि कौन था। आप दूध देंगी? अभी छोड़ दें, सब ठीक हो जाएगा ने, आप परेशान मत हो, हम उनको पकड़ लेंगे। देखे तुम कैसे पटा लिया अब हमारे मामा को। हाँ जी देखे, बहुत दिमाग चलता है आपका। अरे देखो, हमको अम्मा की कमजोरी पता है, अम्मा को ना खाने पीने की चीजों का बहुत शौक है, तो आइंदा से तुम भी याद रखना, कभी हम बाहर जाएं घूमने फिरने के लिए तो वापसी पे अम्मा के लिए कुछ भी खाने पीने के लिए लेंगे, जैसे आज लेके आए। हाँ ना बाबा, हम तो अब ना ही जाएंगे। काहे, मजा नहीं आएगा? मजा तो बहुत आया, लेकिन उससे ज्यादा मजा आया खाला के डांस सुनने का। हम खाला को नाराज ना ही करना चाहते बाबू। अरे अम्मा के नाराजगी पल दो पल का होता है, उनको मनाने का जिम्मेदारी तुम हम पे रखो, तुम परेशानी मत।